नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। साथियों, आज का हमारा विषय है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जो मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं, इनको दूर रखने के लिए एक बहुत ही उत्तम यौगिक क्रिया की जाती है, जिसको कहा जाता है सूत्र नेति। सूत्र नेति में सावधानी ये होनी चाहिए कि हमारी नासिका साफ हो। सूत्र नेति से करने से पहले आप जल नेति कर लें, जिससे कि नासा रंध्र पूरी तरह से साफ हो जाएं। सूत्र नेति को बहुत ही आराम से किया जाता है, ऐसी यौगिक क्रिया है जिसको बहुत धीरे धीरे किया जाता है। उचित ये है कोई बहुत ही दक्ष जो योग का गुरु हो उसके सानिध्य में इसे करना चाहिए, क्योंकि ये एक कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। सूत्र नेति के लिए या तो आप धागे का सूत्र लेते हैं, धागे का सूत्र नहीं है तो आप रबर का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत उपलब्ध रहता है। इस रबर कैथेटर को गर्म पानी में डाल दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट इसको गर्म पानी में पड़ा रहने देते हैं, जिससे कि ये जो है मुलायम हो जाए। मुलायम होने के साथ साथ अगर इसमें कोई बैक्टीरिया है तो वो भी नष्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो इसमें एक बहुत पतला सा छेद रहता है, तो इस छेद के द्वारा जो है इसमें श्वास जाती आती रहती है। प्रायः ये जो होती है लगभग 1 से 1.5 फीट लंबी होती है, और इसको एक नासिका से डालकर गले के भाग से इसको वापस निकाला जाता है। अगली बात इसकी ये है कि इसे जो है थोड़े से घी तेल या बादाम के तेल से इसको चुपड़ लेते हैं या इसको उसमें लगा लेते हैं, जिससे कि ये चिकनापन आ जाए, नासिका में कोई समस्या ना उत्पन्न हो या नासारंध्र में कोई तकलीफ ना हो। याद रहे, इस क्रिया को करते समय अगर नासारंध्र में कोई दिक्कत हो रही है, मतलब उसमें दर्द होने लगता है या अन्य कोई समस्या आ रही है, नया कोई योगी है, तो वो बिल्कुल ही इसे ना करे। ये सलाह कभी नहीं दी जाती है कि हर व्यक्ति इसको करके देखे। हाँ, करके तो देखें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, और इतनी सावधानी के साथ कि अगर जहाँ पर समस्या लग रही है तो उसको तुरंत रोक दें और क्रिया संपन्न ना करें। तो साथियों, शुरू करते हैं इस क्रिया को, और क्रियात्मक रूप से इस समय पर हम आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे, तो आप देखिएगा किस तरह से इसको करते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि कितना आराम से, मतलब इसमें थोड़ा सा गले में महसूस होता है, जब यह पहुंच जाए तो इसको उंगली डालकर बाहर निकाल लिया जाता है, और उस समय पर लार ग्रंथियां पूरी तरह से स्रावित होती हैं, लार बहुत निकलती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो आपने देखा कितना सहज रूप से मैंने यहाँ पर आपको सूत्र नेति करके दिखाई है। तो इस तरह से सूत्र नेति करके आप मस्तिष्क की समस्त बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।